विपक्ष के बजट के बाद विरोध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें। विपक्ष की तरफ से नीति आयोग की बैठक का विरोध अब किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। बताया यह गया है कि इंडिया के नेता इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं। 27 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बजट में गैर बीजेपी शासित राज्यों से भेदभाव का आरोप है और इसी को लेकर नीति आयोग की बैठक में हो सकता है कि इंडिया के जो सहयोगी दल हैं, नेता हैं, वो शामिल ना हो। तो नीति आयोग की बैठक होने वाली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी सामने आ रही है ये हम आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक बुलाई गई है और इसके साथ ही इंडिया की बैठक में कई दल बहिष्कार के पक्ष में है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी, कई सीएम नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं, यानी बैठक में शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दरअसल ये बैठक होने वाली है जिसका बहिष्कार इंडिया गठबंधन करने की तैयारी में है। तो संसद से लेकर सड़क तक पूरे प्रदर्शन की तैयारी इस वक्त विपक्ष की तरफ से है, लेकिन दूसरी तरफ क्या नीति आयोग की बैठक के फैसले पर एकमत विपक्ष हो पाएगा? एक रिपोर्ट आप देखिए। आम बजट में गैर बीजेपी शासित राज्यों को नजरअंदाज किए जाने से नाराज इंडिया गठबंधन ने आज संसद भवन में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय बजट से नाराज विपक्षी दलों के तमाम मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं। नीति आयोग की बैठक 27 जुलाई को होनी है। इंडिया गठबंधन की कल हुई बैठक में इस पर चर्चा की गई, जिसमें ज्यादातर दल नीति आयोग के बहिष्कार के पक्ष में है। हालांकि ममता बनर्जी इस बैठक के लिए 26 जुलाई को ही दिल्ली पहुंच रही हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में केजरीवाल की बिगड़ती सेहत को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चिंता जाहिर की। खबर है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर इंडिया गठबंधन एक साझा बयान जारी कर सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य के साथ अन्याय के खिलाफ पहले ही नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। बजट को लेकर आपको बताएं कि आज संसद में घमासान देखने को मिल सकता है। बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। ये बजट क्रॉस सेक्शनल सारे हमारे समाज के लिए है। इसमें रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ हैं और मुद्रा योजना जो है उसको डबल कर दिया 10 लाख से 20 लाख और 4 करोड़ से अधिक हमारे युवाओं को नौकरी दिलवाने के लिए हैं 5 वर्ष में। ये युवा सिर्फ 2 स्टेट्स में रहते हैं या देश भर में रहते हैं? दूसरा, अगर आप पूर्वोदय की कोई बात करते हैं, पूर्वांचल की जो पूरी ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें सिर्फ बिहार नहीं है, उसमें बाकी स्टेट्स भी हैं। तो हिमाचल के नाम का उल्लेख हुआ है, उसके साथ उत्तराखंड के नाम का भी उल्लेख हुआ है और उसके साथ सिक्किम के नाम का भी उल्लेख हुआ है। उनको तो असिस्टेंट वर्ड लिखा है और हमको लिखा है मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए। तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जब बाढ़ सिक्किम में आई उनको असिस्टेंस देने का वर्ड्स लिखा है, जब बाढ़ उत्तराखंड में आई उसमें असिस्टेंस वर्ड्स लिखा है। सेम ही अगर लिखा होता तो पता लगता कि क्या है, उस पर अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या शब्द है। पर हम चाहते हैं जो आपदा में हमारा जो बजट है, जो हमने 9,000 करोड़ रुपये का भेजा, वो हमें मिले, वो इसके अलावा मिले। चंद्रशेखर आजाद का आरोप यह है कि बजट में महंगाई को लेकर कोई जरूरी कदम उठाया नहीं गया और इस पर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने नाराजगी जाहिर की है और यह कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है। उम्मीद ये थी कि बहुत सारे कल्याण की योजनाओं पे, नौजवानों पे, किसानों पे, महिलाओं पे बात होंगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ी इस देश की समस्या बेरोजगारी, तो इंटर्नशिप की बात हुई है, लेकिन इंटर्नशिप के बाद क्या रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो एक बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी, जैसे अग्निवीर के 5 साल के बाद अग्निवीर क्या करते हैं, उसी तरह से बेरोजगारों को और बेरोजगार करने का इंतजाम किया गया है। महिला कल्याण पे जो बातें हुई हैं सुनने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन भारत में कामकाजी ज़्यादा से अच्छी ज़्यादा महिलाओं की संख्या है घरेलू महिलाओं की, तो घरेलू महिलाओं की रसोई कैसे जो है अच्छी हो और उनका घर जो उनके बजट के दायरे में कैसा है, इसके लिए कोई जो है महंगाई पर कोई लगाम नहीं लगाई गई। जो विपक्ष है जिस बात को आज कह रहे हैं, जब वो सत्ता में रहता है तो वो वही बात कहता है, एक किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए ये हमारा बजट है। वही बात फिर विपक्ष बोलता है जब सत्ता में रहता है, जब वो सत्ता से बाहर होता है तब फिर वो विरोध करता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अनवरत प्रक्रिया है, किसी भी पार्टी की सत्ता जब बनती है तो अपना बजट वो अपने हिसाब से पेश करता है और देश के विकास के लिए अपना वो काम करता है।